मैं लेके जाऊं 500 रुपए की मिठाई और वहां मिले 51 रुपया। पैसा निकाल लो भाई, टीका होने वाला। जीजा जी आ रहे, क्या बन रहा आज? क्या मम्मी आ गए वीडियो तुम्हारी? अरे दिवाली के बाद पहली भैया दूज है ना, अब खुशी दीदी करेंगी टीका। हमारे घर के सबसे छोटे भैया 27 साल का फर्क। हेलो गाइस, तो आज का नया ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अब स्वाति जा रही है अपने मायके अपने रजत के टीका करने के लिए। चलो हाँ चलो, पहले पता भाभी मैं लेके जाऊं 500 रुपए की मिठाई और वहां मिले 51 रुपया। नहीं यार, गलत बात है। अगर मैं 500 की मिठाई लेके जाऊं तो मेरे को 2000 मिलने चाहिए, दामाद वहां का। ठीक है चलो, हाँ तो उनकी मिठाई देखूंगा ना कितने की है, मिठाई देखूंगा कितने की है। हाँ बिल्कुल, वैसे मेरे हिसाब से बहनों का त्योहार है तो भाई को बहन के पास आना चाहिए, लेकिन इन्हें चल रहा है। तो ये खड़ी अपनी गाड़ी जाना। हाँ और मिठाई नहीं ली आगे पूरे रास्ते। अरे यार मिठाई तुम्हारे घर में रखी नहीं होगी। तो रखी होगी, इसका मतलब क्या है? अब मिठाई अगर मैं भी लेके जाऊंगा, जहाँ 4 डब्बे रखे 5 हो जाएंगे, खाएगा कोई है नहीं। मैं कुछ नया कर रहा हूँ, पता है क्या? क्या? मैं ये सोच रहा हूँ फिंगर मोमोज ले लेता हूँ, ताकि हम भी खा सकें। अच्छा। जो चीज हम लेके गए हैं वो अगर हम खा ना पाए तो फायदा क्या उस चीज का? तो मिठाई भी खा लोगे आप? नहीं, फिंगर मोमोज लेके चलेंगे, मम्मी भी खा लेंगे, इतना दीदी भी खा लेंगे। अच्छा। मिठाई खा तो लूंगा लेकिन पूरा थोड़ी खा पाऊंगा, टेस्ट नहीं आएगा, और फिर वो रखी रहेगी, खराब हो जाएगी। तो फिंगर मोमोज नया आइडिया निकालो, जागो ग्राहक जागो। अगर 200 रुपए का भी खरीदेंगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, 60 रुपए का तो हम खुद खा जाएंगे। यस सही है, फिंगर मोमोज ही ले लो, बच्चे खुश तब भी हो जाएंगे, सब बच्चे चिपट जाएंगे। तो भैया मीठे रसगुल्ले ले लिए हैं, सोन पपड़ी ले लिए हैं, ससुराल में आज मैं सोन पपड़ी लेके जाऊंगा। 2 क्रैक्स भी दे देना बच्चे के लिए। तो मोमोज और वो नहीं मिले हैं? हाँ नहीं मिले, अभी दोपहर है, शाम को लगते हैं मोमोज। तो आ गई है स्वाति। ए युद्ध, आए नहीं तुम दिवाली पे, घर आ रहे थे, हम आए थे तुम सो रहे थे, हमने पटाखे फोड़े थे। रो रहा था। अरे कहाँ पुराने हो गए अब। ओ नहीं शर्ट। पैसा निकाल लो भाई, टीका होने वाला। हाँ कभी बहम में हो, ठीक है 500 की मिठाई लाऊं, कम से कम 1000 मिलने चाहिए। बंद कर दो इसको, ठीक है माना सेमीफाइनल है, 5 मिनट के लिए बहनों को टाइम दो। क्यों बस 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 की मिठाई आई। बस अब जनता ये देखना चाहती है। कोई बात नहीं, अरे तुम चलो, क्या चलो, माल की मिठाई आई है। बस है दिखाओ, वेरी गुड। अरे कोई बात नहीं, अभी कमा थोड़ी रहा है, जब कमाएगा तो मैं तब दे ले लूंगा। है पापा आए, देखो तो मामा जी भी आ गए हैं। मामा जी नमस्ते। स्वाति जीजा जी आ रहे, क्या बन रहा आज? आज जीजा जी के लिए मशरूम और मटर की सब्जी। मटर मशरूम, ये क्या बात है। और सोन पपड़ी, वेरी गुड। ये वही है जो कोई नहीं खाता, हम वो जीजा जी को खिलाएंगे। सोन पपड़ी अच्छी चीज होती है, खा के देखो कभी, खा के देखो कभी, अच्छी होती है। ये तो जीजा जी आ चुके हैं। ओहो अरे जी जी आ गई, मैंने ब्लॉग डाल दिया, मैंने कहा प्रियंका जी जी नहीं आई। नमस्ते बेटा, आओ हमसे खुशी। नमस्ते करो, नमस्ते नमस्ते। मम्मी आ गए वीडियो तुम्हारी। नमस्ते बाबा जी।
आज मम्मी तैयार होके बैठी, बिटिया आ रही ना। अरे ओहो जी जी भी रो रहे हो, फायदा क्या मम्मी के रोने का, तू नहीं रोएगी तो। मम्मी को ऐसा लगने लग गया था अब नहीं आएंगे। ये मम्मी का सेवा क्या मोती। ओ जी जी मिठाई लाई, वाह मम्मी के लिए शुगर फ्री है। स्वाति को देना, लेडीजों को दिया। तो दो क्यों लाई, एक ही घर था एक ही जाती, पैसा बहुत है। हम तो एक ही देंगे, सैलरी मिल गई क्या? नहीं हम एक ही देंगे 200 की पेमेंट आई। ये प्रियंका दीदी के सामने कोई बोल सकता है क्या? ए बुआ आ गई, गोदी लेना पड़ेगा फिर, जगा दो दिया। हाँ दिवाली के बाद पहली भैया दूजे ना। सोन पापड़ी है, ये तू लाई थी महंगी वाली। स्वाति देखी, शादी के बाद यही होता है। दे दिए ये से ले ये क्या है? बोला पूछ के रखा जाता है ना। बेटा अब खुशी दीदी करेंगे टीका, जाना खुशी बाबू टीका करेंगे। कितने रुपए तुम परी को कितने दिए थे? 200 200 और निकालना तुम्हारे गुल्लक से। तो इस ये टीका करवा रहा तो इसी के पैसे दीदी को दिलवा रहा हूँ। बाद में मत कहना मेरे से कम कहाँ हो गए, पहले कह रहा हूँ। हाँ 200 परी दीदी को दिए तो 200 खुशी दीदी को। चलो तो अभी तो आप दोगे ना, वो क्यों देगा? इसकी गुल्लक में से निकाल, 10,400 दे, 200 माइनस हो गए, 10,200 रह गए। यार ये तो गलत है यार, खतरनाक पापा, खतरनाक पापा। ये कैसे बैठे एक दूसरे करो। देखो से निकाल के दे लो दीदी को, दे छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, छोड़ ये। चलो हो गया, चलो अब चलते हैं चाचा जी के पास। वहाँ भी दो दो दीदियाँ हैं। हमारे घर के सबसे छोटे भैया, 27 साल का फर्क। सबसे बड़ी बहन, नहीं सबसे बड़ी तो नहीं है, इनसे भी बड़ी है, लेकिन तुम दोनों में 27 साल का फर्क है। देख ले है, हम में 13 में 29 साल का फर्क है, और हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं, नहीं ना।